नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी किताब को कैसे पढ़ते हैं आ, कोई बहुत ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं है कि इसी तरीके से पढ़ने सफलता मिलेगी ऐसे पढ़िएगा नहीं मिलेगी लेकिन एक प्रूवन तरीका है कि बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को अपनाया है सफल हुए हैं और उनका जो मेथडोलॉजी है अक्सर एक बात कही जाती है कि किसी सफल इंसान के रास्ते पर चलेंगे तो हमें उन्होंने जो ठोकर खाई है उससे हम बच सकते हैं कॉप कॉपी मोर ने छः हज़ार किताबें पढ़ी थी और उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप एक लाइन में अगर बताना चाहते हैं कि उन छः हज़ार किताबों का जिस्ट क्या है मतलब क्या है तो उन्होंने यही बताया था कि दूसरों की गलतियों से सीखो को उसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मोस्टली लोग जो तैयारी में उतर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास की पढ़ाई करते हैं वो गलती ये करते हैं कि पढ़ने का उनको सही तरीका नहीं पता होता है तो मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ जैसे कि अगर हम लोग तैयारी में उतरे हैं यू की बी की तो जो दो तीन चीज़ें हैं हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हमें पढ़ने में नींद आती है ठीक है तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पॉलिटी से लक्ष्मीकांत की किताब है ये ये फर्स्ट चैप्टर है अब जब आप इसको पढ़ते हैं कि 1600 सो में ब्रिटिशर्स आए और बहुत ही टफ़ लैंग्वेज यूज़ किया गया ठीक है का कंपनी रूल आ गया रेगुलेटिंग एक्ट आ गया कई जगह गवर्नर आप यूज़ करते गवर्नमेंट यूज़ किया गया है गवर्नर यूज़ किया गया टर्म अब आप इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे और आपको मेरा मुझे यकीन है कि आपको एक पेज में ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा क्यों क्योंकि अब इनका मतलब नहीं पता आपको गवर्नर का मतलब नहीं पता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब नहीं पता है आपको सब चीज़ें दिमाग में बाउंस होगा कोई भी चैप्टर जैसे कि अगला कोई भी आप उसके बाद का चैप्टर उठा लीजिए तो वो भी आपको इतना टफ़ होगा चार्टर एक्ट क्या है चार्टर का मतलब आपको नहीं पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझ आएंगी द सिग्निफिकेंट एक्ट वाज़ इैक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 फिफ्टी सेवन ठीक है अब एटीन फिफ्टी सेवन ही आपको नहीं पता है आप यहाँ पॉलिटी पढ़ रहे हैं और एटीन फिफ्टी सेवन का आपको वहाँ पर रेफरेंस दिया गया आप नई तैयारी में उतरे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग एक्सपर्ट हैं मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ तो अब आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी और यही कारण है कि आपका पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आप किसी सक्सेसफुल आदमी से पूछते हैं कि कैसे पढ़ें वो आपको बता देते हैं तरीका कि भाई ये ये किताब है इन किताबों को उठा लो अब पॉलिटिकली हर कोई बोलता है कि पॉलिटिकली आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है अब ये सही बात है इनसे अच्छी कोई किताब नहीं है मार्केट में अभी आज के डेट में हिंदी हो या इंग्लिश लक्ष्मीकांत से बेहतर कोई किताब नहीं है अब आप लक्ष्मीकांत उठाते हैं और आपको दस मिनट के अंदर नींद आने लगता है रीज़न क्या है मैंने बताया आपको कि इस किताब को समझने के लिए आपको एक बैकग्राउंड चाहिए ये किताब इसलिए नहीं लिखी गई है कि आप एक लेमन है और आप सो के उठ रहे हैं और आप किताब को समझना शुरू कर देंगे ठीक है तो इसके लिए क्या करना होगा अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन चीज़ों के लिए क्या करना होगा कि आपका इसमें किताब में इंटरेस्ट बने आपको चीज़ें समझ में आए तो ये जो किताब आप देख रहे हैं वाट इज़ गवर्नमेंट ये किताब एन की है ये क्लास सिक्स की एन है ठीक है कहाँ से डाउनलोड करना है मैं वो भी बता दूंगा आपको कि कहाँ से डाउनलोड करना, डाउनलोड करना है कैसे डाउनलोड करना है कैसे पढ़ना है देखिए ये क्लास सिक्स की एन है चैप्टर थर्ड इसलिए कोई क्लासेस की एम में ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सोशल साइंस के नाम से ये चैप्टर है ठीक है, है हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम एक ही कॉन्सेप्ट है तो इसमें थर्ड चैप्टर पॉलिटी स्टार्ट होता है अब पॉलिटी में देखिए आपको क्या मिलेगा कि फर्स्ट जो है व्हाट इज गवर्नमेंट अब यहाँ गवर्नमेंट को समझाया गया ये बहुत हम लोग दिन रात गवर्नमेंट गवर्नमेंट करते हैं गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है गवर्नमेंट की परिभाषा क्या होती है वो समझना जरूरी है अब देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मैंसन सेवरल टाइम्स इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ समझ में आए गवर्नमेंट क्या है और हमारे जिंदगी में जीवन में इनका क्या गवर्नमेंट का है? वो है एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक अ डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन ठीक है मैं पूरा किताब नहीं पढ़ूँगा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेता है और किसी भी काम को करवाने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत होती दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स ठीक है रोड कहाँ बनाना है स्कूल कहाँ बनाना है और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियंस और प्याज के दाम को कैसे कम करना है ठीक है एंड हाउ टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली कैसे बढ़ानी इस चीज़ों के लिए गवर्नमेंट अब इसमें इतने आसान भाषा में समझाया है छोटा मोटा लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी थिंग्स यू कैन थिंक ऑफ हाउ टू मैनेज डू ऑल द थिंग्स तो इसको जब आप पढ़िएगा ये मात्र दस पेज के चैप्टर है उस दस पेज में आपको पाँच पेज में फोटो है अब लॉ क्या होता कानून क्या होता है वो समझाया गया इसमें और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसके बाद में कुछ क्वेश्चन हैं ग्यारहवें पेज पर जवाब आइएगा तो क्वेश्चन वाट डू अंडस्टैंड बाय द गवर्नमेंट ठीक है वाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट लिस्ट फाइव वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट योर डेली लाइफ ठीक अब ये जो चीज है इस पर आप आंसर लिखना शुरू कीजिए आप अगर इसका आंसर लिख लेते हैं आज कि वाट ड्यू थिंक द वर्ड गवर्नमेंट इज आपको ऐसे नहीं लिखना है पॉइंट में नहीं लिखना, लिखना है आपको उसमें लिखना है द द वर्ड गवर्नमेंट इज और जो जो आपने पढ़ा इस चैप्टर में लिखना शुरू कीजिए ये क्लास सिक्स की एन है दस पेज का चैप्टर है दस पेज का चैप्टर पढ़ने में आपको हार्डली लगेगा पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा और उसके बाद आपने ये पांच आंसर्स लिख लिए ठीक है इस आंसर को लिखने में लगेगा आपको कम से कम एक घंटा वन आवर आप पीछे जाइएगा चेक कीजिएगा एक घंटा पंद्रह मिनट में आप गवर्नमेंट जो टॉपिक है इसके आप एक्सपर्ट हो गया आप विश्वास नहीं कीजिएगा जितने भी एग्जाम्स हैं यूपीएससी बीपीएससी एज इट इज़ क्वेश्चन व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट ये पूछा हुआ सवाल होगा आप जाके देखिएगा वाट नेम द टू एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये सभी सवाल यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जामों में मेन्स में पूछे जाते हैं पीटी में पूछे जाते हैं यहीं से लेवल बनता है हम लोग मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग स्किप करने की कोशिश करते हैं लेवल को अपने ठीक है जब आप लेवल को स्किप कीजिएगा तो हमेशा जिंदगी में वो गैप जो है वो परेशान करेगा आपको आपका नॉलेज का लेवल यहाँ पे है किताबों का लेवल यहाँ पे है और सिलेक्शन का लेवल यहाँ पे ये यह तीनों के बीच का जो गैप है ये हमेशा आपको परेशान करेगा पांच अटेम्प्ट दस अटेम्प्ट निकल जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मैंने भी सबसे पहले एन से शुरुआत किया था और जब आप एन पढ़ते हैं आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है सबसे बड़ा यही फैक्टर है मैं जब बताता हूँ कि जब आप गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा कि गवर्नमेंट क्या है सरकार क्या है सरकार किस तरह से काम करती है सरकार की जरूरत क्या है हम लो election, लोग विधानसभा इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन में दिन रात हम लोग चर्चा करते हैं बहस करते हैं लेकिन क्या जरूरत है इलेक्शन की उसको हर चीज़ को समझाया हुआ है स्टेप बाई स्टेप तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा सबको और कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप क्लास आप सिक्स की एनसीईआरटी सी सेवन की एनसीईआरटी दो तो जरूर पढ़िए आप आपका बहुत स्ट्रांग बेस हो जाएगा और आपको चीज़ें समझना इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा इतना आसान हो जाएगा कि आपको और आगे का जो सिलेबस है वो पकड़ बन जाएगा मेंस के आंसर राइटिंग में लोग परेशान रहते हैं कि सर पी टी निकल जाएगा मेंस नहीं निकल पाएगा क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग नहीं आता है मेंस की आंसर राइटिंग क्लास सिक्स के एन से ही शुरू करना है आप लिखते जाइए हर चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ से कीजिए तो एक सिलसिलेवार ढंग से जब आप तैयारी करेंगे तो आप खुद महसूस होगा कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है आप में लेयर बन रहा है अब एक उदाहरण समझने की कोशिश कीजिए कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाए क्लास नर्सरी नहीं जाए वन नहीं जाए टू नहीं जाए थ्री नहीं जाए फोर नहीं जाए फाइव नहीं जाए सिक्स नहीं जाए सेवन नहीं जाए एट नहीं जाए नाइन नहीं जाए और सीधे टेंथ के एग्ज़ाम में जाए बोले टेंथ के एग्ज़ाम में दस साल टेंथ में पढ़ूंगा टेंथ किताब में दस साल पढ़ूंगा और मैं टेंथ पास कर जाऊंगा वो कभी नहीं पास कर पाएगा क्योंकि टेंथ के एग्ज़ाम में उसको दो का टेबल नहीं बताया जाएगा चार का टेबल नहीं बताया जाएगा जोर नहीं बताया जाएगा भाग नहीं बताया जाएगा टेंथ के किताब में सीधे उसका जो जो भी टेंथ के जो सिलेबस होगा परसेंटेज होगा इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन जो भी हो वो बताया जाएगा वहाँ पर वो चीज़ कभी जोर घटाओ बताया नहीं जाएगा उसको इस उदाहरण से समझिए आपको समझ में आएगा क्यों एन का महत्व है इसलिए एन किताब को एक बार ज़रूर हिम्मत करके पढ़ जाइए बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप रियली आप इस चीज़ को अप्रिसिएट कीजिएगा कि क्या लैकिंग था आपकी तैयारी में और कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में